तो दिवाली आ रही है। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आया हूँ, माता लक्ष्मी की तस्वीर या फोटो खरीदते वक्त इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसमें बहुत बढ़िया टिप्स और जानकारी लेके आते हैं जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। दिवाली का पर्व माता लक्ष्मी की आराधना का पर्व है। इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए हम सब विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करते हैं, पर माता को प्रसन्न करने के लिए केवल विधि विधान से पूजा ही काफ़ी नहीं, बल्कि माता की जिस चित्र की आप पूजा कर रहे हैं उनमें से कुछ वस्तुओं का होना भी आवश्यक होता है, तभी माता प्रसन्न होती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। कैसा हो माता का चित्र, आइए जानते हैं। माता लक्ष्मी का चित्र खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि माता कमल के पुष्प पर विराजित हों। जिस चित्र में माता के पैर दिखते हों वह चित्र ना खरीदें, अन्यथा घर में लक्ष्मी का वास लंबे समय तक नहीं होता। बैठी लक्ष्मी का चित्र श्रेष्ठ होता है। चित्र में यदि माता के दोनों ओर हाथी विराजित हो और धन की वर्षा कर रहे हो तो उस चित्र से पूजा करने से घर में धन की कमी नहीं होती। इसी तरह यदि सूंड में कलश लिए हुए हाथी हो तो शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण का पूजन भी शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है माता लक्ष्मी बिना विष्णु जी के घर नहीं आती, इसलिए विष्णु जी की पूजा कर आप माता लक्ष्मी को घर बुला सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि अकेली लक्ष्मी माँ के चित्र का पूजन करने की अपेक्षा गणेश व सरस्वती के साथ उनका पूजन कल्याणकारी होता है। इस तरह धन विद्या व सुविधा की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी जी का वह चित्र जिसमें वह दोनों हाथों से धन बरसा रही हो धन प्राप्ति के लिए बहुत शुभ होता है। इसी तरह यदि चित्र में माता लक्ष्मी मुस्कुरा रही हैं तो आप सदा उनसे आशीर्वाद एवं धन प्राप्त करेंगे। जब भी माँ लक्ष्मी का पूजन विष्णु जी एवं गणेश जी के साथ करें तो हमेशा गणेश जी लक्ष्मी जी के दाहिने ओर एवं विष्णु जी लक्ष्मी जी के बाईं ओर होने चाहिए। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि हमेशा गणेश जी लक्ष्मी जी के दाहिने और विष्णु जी लक्ष्मी जी के बाईं ओर होने चाहिए। इस प्रकार सही तरीके से पूजन करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है और हमारा घर धन धान्य से भर जाता है और उनकी कृपा सदा बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो या आपको इससे कुछ जानकारी मिली हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह की बढ़िया और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।